सभी प्यारे प्यारे बच्चों का Y2 कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वो अप्रोच जिसकी मदद से आप किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल पिकअप किया है, NCERT का एग्जांपल नंबर 24, पेज नंबर 94। तो इस अप्रोच को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन है हमारा ए बराबर दिस, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ए बराबर आई ए। इसके बाद क्या करना होता है हमें, हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। और इसमें भी हम ऑपरेशन लगाते हैं सेम, बट इसमें हम कोई ऑपरेशन यूज नहीं करते। इस वाली मैट्रिक्स में, ए में हम कोई भी ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हमारे लगते हैं वो ए में लगते हैं और आई में लगते हैं, और इसको हम सेम रखते हैं। तो देखिए, ये तो हो गया इसके पीछे का कंसेप्ट। अब देखते हैं वो अप्रोच क्या है। तो देखिए, ये जो ए है इसको मुझे क्या बनाना है, इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार। तो देखिए, 1 1 1 0 0 0 0 0, ठीक है। तो मुझे इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस वाले ट्रायंगल को प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए, हम सबसे पहले ये ट्रायंगल बनाएंगे, इसके बाद हम ये वाले एलिमेंट से डील करेंगे, ये वाले, ये वाले, ये वाले। तो देखिए, यहाँ पे जो ट्रायंगल है, यहाँ पे ये वाला, सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट है जीरो, इसको हम बनाएंगे वन। देखो, सिक्वेंस वाइज बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले फर्स्ट को हम इस वाले एलिमेंट को क्या बनाएंगे, वन बनाएंगे, फिर हम इसको जीरो बनाएंगे, फिर हम इस वाले एलिमेंट को जीरो बनाएंगे, उसके बाद हम ये वाले एलिमेंट को क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे हम वन बनाएंगे इसे। उसके बाद हम इस वाले एलिमेंट को क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। उसके बाद अब हम इसे वन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसे और रिपीट कर देता हूँ, 0 1 2 1 2 3 3 1। तो सबसे पहले मैं इस वाले ट्रायंगल को डील करूंगा सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस वाले जीरो को पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं इस वाले जीरो को वन बनाऊंगा, क्योंकि जैसे कि मुझे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को मुझे वन बनाना है। फिर यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे जीरो बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरा जीरो है और यहाँ पे है वन। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट एलिमेंट मुझे यहाँ पे फिर से जीरो बनाना है, ये, तो इस वाले को मैं जीरो बनाऊंगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे आना पड़ेगा आपको, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। जब यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे वन बनाना पड़ेगा आपको इस जगह। फिर इसके बाद आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जीरो है या नहीं है। तो देखिए, जब यहाँ पे जीरो नहीं है तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद यहाँ पर आओगे इस पॉइंट पे, तो जो ये वाला एलिमेंट आएगा यहाँ पे आपको वन बनाना पड़ेगा। तो देखिए, कुछ इस तरीके से इसका प्रोसेस है, 0 1 3 1 2 1 2 3 1। सबसे पहले आप इसको चूज करेंगे, और आप किस सीक्वेंस में इसे लगाएंगे मैं इसे दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए, आप पहले ऐसे जाएंगे, फिर आप ऐसे जाएंगे, फिर आप ऐसे जाएंगे, और फिर आप ऐसे जाएंगे। तो ये इसका सीक्वेंस हो गया, मतलब पहले आप इस वाले एलिमेंट को वन बनाएंगे, फिर आप इसको जीरो बनाएंगे, फिर इसको जीरो बनाएंगे, फिर इस वाले एलिमेंट को आपको वन बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको जीरो बनाना है अगेन, फिर यहाँ पे आपको वन बनाना पड़ेगा। तो चलिए, इस अप्रोच को अप्लाई करते हैं फटाफट बिना देरी किए। तो देखिए, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ एक बार दोबारा से। यहाँ पे था हमारा जीरो, यहाँ पे हमारा वन, यहाँ पे हमारा थ्री, यहाँ पे हमारा वन, यहाँ पे है टू, यहाँ पे है वन, यहाँ पे है टू, यहाँ पे है थ्री, यहाँ पे है वन, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ए बराबर आई ए, क्योंकि ये क्या है, हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। हम किसी भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इसे कॉपी कर लीजिए ए को, तो ए को कॉपी करेंगे तो ये होगा 0 1 3 1 2 1, यहाँ पे आएगा 2 3 इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए 1 1 1
जीरो 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 यहाँ पे लिख दीजिए एक। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हम यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को वन बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको अप्रोच में बताया था, हम क्या करेंगे, ये जो जीरो है इसको हमें वन बनाना पड़ेगा, इस जीरो को वन बनाना है। तो देखिए यहाँ पे वन बनाने के लिए क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है रो टू में वन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो मैं इसको इससे इंटरचेंज कर दूंगा सिंपल, ठीक है। तो देखिए अब इस ऑपरेशन को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑपरेशन आर वन इंटरचेंज विद आर टू, ठीक है। तो आप इंटरचेंज कर दीजिए, आप यहाँ पे लिखिए वन, यहाँ पे लिखिए टू, थ्री, जीरो, वन, टू, यहाँ आएगा थ्री, वन, वन, ओके, इक्वल टू। अब यहाँ पे भी इंटरचेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा जीरो, ये आ जाएगा हमारा वन, ये हो जाएगा जीरो, और ये यहाँ पे आएगा हमारा वन, जीरो, 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 वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप इस एलिमेंट पे आना है, यहाँ पे देखो जीरो है, तो यहाँ पे तो मुझे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई चेंजेस नहीं करना है। फिर आते हैं हम इस वाले एलिमेंट पे, तो यहाँ पे देखो मेरा थ्री है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जीरो बनाना है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑपरेशन यूज करेंगे। तो ऑपरेशन में लिख देता हूँ, यहाँ पे आर थ्री में ऑपरेशन करेंगे आप, आर थ्री माइनस थ्राइस ऑफ आर वन, है ना। तो यहाँ पे मुझे जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे वन टू थ्री जीरो वन टू। अब देखिए यहाँ हो जाएगा जीरो, अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे तो वन माइनस थ्री इंटू टू सिक्स, वन माइनस सिक्स, तो यहाँ पे बनेगा माइनस के फाइव। अब यहाँ पे लगाइए वन माइनस नाइन, तो बनेगा माइनस के एट, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा जीरो, यहाँ हो जाएगा वन, यहाँ हो जाएगा जीरो, यहाँ पे आएगा मेरा वन, यहाँ पे आएगा जीरो, यहाँ पे आएगा जीरो, यहाँ हो जाएगा मेरा जीरो माइनस साइज ऑफ जीरो, तो यहाँ पे तो जीरो ही रहेगा। अब यहाँ पे रहेगा जीरो माइनस थ्राइस ऑफ वन, तो यहाँ पे आएगा माइनस के थ्री, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा वन, ये हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट को देखिए, सबसे पहले नेक्स्ट एलिमेंट देखो, मैंने बताया था कि आपको इस तरीके से मूव करना है, पहले इसको बनाना है वन, फिर इसको बनाना है जीरो, फिर इसको बनाना है जीरो, ये बना दिया हमने जीरो। अब हमें यहाँ पे चेक करना होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वन है, ठीक है भाई, यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन मैं यूज नहीं करूंगा। इसके बाद मैं आऊंगा इस वाले एलिमेंट पे, तो इस वाले एलिमेंट पे आऊंगा, तो मुझे इसको क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाने वाला हूँ, तो जीरो बनाने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा आर थ्री में, आर थ्री में ऑपरेशन लगाने वाला हूँ, आर थ्री प्लस फाइव ऑफ आर टू, तो ये ऑपरेशन मैं यूज करूंगा यहाँ पे। तो देखिए ये आ जाएगा मेरा वन टू थ्री जीरो वन टू। अब देखिए यहाँ हमारा है जीरो, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जीरो जीरो प्लस यहाँ पे हो जाएगा जीरो, माइनस के एट और प्लस के टेन, तो यहाँ पे बचेगा टू। यहाँ पे लिख दीजिए आप सेम मैट्रिक्स, जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो, यहाँ पे आएगा आर थ्री प्लस फाइव ऑफ आर टू, तो यहाँ पे आएगा फाइव, यहाँ पे आएगा माइनस के थ्री, और यहाँ पे आएगा सेम मेरा वन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए। अब इसके बाद देखिए इस टू को मुझे वन बनाना है, इस टू को मुझे वन बनाना है, तो वन बनाने के लिए क्या करूँगा, तो वन बनाने के लिए देखो सिंपल है, अगर यहाँ पे हमारा जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है, दो एलिमेंट जीरो है, तो इसको वन बनाने के लिए सिंपल आप क्या करो, इसे सेम एलिमेंट से डिवाइड कर दो, यानी टू से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हो गया हमारा आर थ्री में ऑपरेशन लगाऊंगा, आर थ्री डिवाइडेड बाई टू, तो देखिए फटाफट इसको लगाइए आप, तो ये हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स वन टू थ्री जीरो वन टू जीरो जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा वन। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो, ये हो जाएगा फाइव बाई टू, ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू, और ये हो जाएगा मेरा वन बाई टू,
ठीक है, क्योंकि इसे 2 से डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ट्राइंगल आपको फॉर्म करना है, तो ये देखो मैंने फॉर्म कर लिया है ना। अब मेरे लिए ऑपरेशन लगाना और आसान हो जाता है। देखो अब बाकी के एलिमेंट को आप बना लो यहाँ पे। बाकी के एलिमेंट कौन से बचे मेरे यहाँ पे, एक तो बचा है 2, एक बचा है मेरा 3 और एक बचा है 2। अब मुझे इनको 0 0 बनाना है, तो यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को मुझे क्या है 0 बनाना है। तो इस वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑपरेशन यूज करता हूँ मैं यहाँ पे सिंपल, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा मेरा 1, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये हो जाएगा मेरा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 4। तो 3 माइनस 4 बनने वाला है आपका -1, ये हो जाएगा -1, 0 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 0 0, यहाँ पे आएगा 1। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, तो यहाँ पे आएगा -2। ठीक है, यहाँ पे आएगा मेरा 1 और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आने वाले, यहाँ पे 0 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1, अगेन यहाँ पे 0, अगेन यहाँ 0, 5 बाई 2, -3 बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई 2। इसे कॉपी कर दीजिए, ये लिख। अब मुझे इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। ठीक है, तो इस वाले एलिमेंट को मैं 0 बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन R1 में। आप ऑपरेशन कर दीजिए सिंपल, R1 प्लस R3। ठीक है, तो लगाते हैं इस ऑपरेशन को, देखिए ये हो जाएगा मेरा R1 में ऑपरेशन लगाऊंगा R1 प्लस R3, तो यहाँ पे तो सिंपल 1 ही रहेगा और यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरा 2, ये हो जाएगा मेरा 0, ये हो जाएगा मेरा 0, ये आ जाएगा मेरा 1। ओके, तो अब देखिए R1 में R1 प्लस R3 करेंगे तो -2 प्लस 5 बाई 2, तो ये आएगा मेरा 1 बाई 2, 1 बाई 2 आएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 माइनस 3 बाई 2, तो यहाँ पे आएगा मेरा -1 बाई 2। उसके बाद देखिए यहाँ पे आएगा 0 प्लस हाफ, तो यहाँ पे आएगा मेरा हाफ। इसको सेम लिख दीजिए, 1 0 0 5 बाई 2, ये हो जाएगा -3 बाई 2 और ये हो जाएगा हाफ। ये आ गया हमारा ए। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को मैं बनाऊंगा 0, तो 0 बनाने के लिए मैं क्या ऑपरेशन एग्जीक्यूट करूंगा सिंपल, यहाँ पे R2 में R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3, आप ये ऑपरेशन लगा दीजिए सिंपल, ये 0 बनने वाला है मेरे पास। तो देखिए यहाँ पे आएगा 1, ये हो गया 0 0 0 1 और ये हो गया मेरा 0, ये हो जाएगा 0 0 1। तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई मेरी। अब देखिए इसे लिख दीजिए आप हाफ, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ लिख दीजिए -1/2, यहाँ पे लिख दीजिए हाफ। अब देखो R2 में चेंजेस आ रहे हैं, तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ R3 करना है, तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ R3 यानी 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 5, तो -4 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे होगा 0 माइनस R2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 2 कैंसिल, तो 0 प्लस 3 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा -1। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो 5 बाई 2 ही रहने वाला है, -3 बाई 2 रहने वाला है और यहाँ पे आने वाला है मेरा हाफ और ये हो गया ए। तो देखो यहाँ पे हमारी बन गई मैट्रिक्स आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। यहाँ पे देखो ये जो मैट्रिक्स है और इसके बाद ये जो ए है, ए लिखेंगे। अब सिंपल मुझे पता है यहाँ पे अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आई मेरे को मिलने वाला है। तो सिंपल जो ये मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स हमारी, ये क्या हो जाएगी, ए इनवर्स हो जाएगी, है ना, ये मैट्रिक्स हमारी ए इनवर्स होगी। तो देखिए इजीली हमने इस अप्रोच को यूज किया और बड़े ही आसानी से हम अपने आंसर तक पहुंचे। बच्चे को ये अप्रोच समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।